जीता है वापी अर्बन लोकल बॉडी गुजरात ने। शानदार जल प्रबंधन के द्वारा पानी की मांग पूरी की गई। यहां पर वाटर सिस्टम का बेजोड़ डिजिटाइजेशन किया गया। पूरा शहर सीवर नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। हमारी वापी म्युनिसिपैलिटी साथ साथ में गुजरात के लिए भी गर्व की बात इसीलिए है क्योंकि वापी म्युनिसिपैलिटी एकमात्र गुजरात से है जिसे अर्बन बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी का अवार्ड मिला है और यह हमें ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथों मिला है, इसीलिए ये इस सबसे बड़ी गर्व की बात हो जाती है। और ये जो अवार्ड है ये हमें मिला है, एक एप्लीकेशन हम लोगों ने डेवलप किया है जो है नॉट 2.4। भारत सरकार अलग अलग क्षेत्र में हर एक म्युनिसिपैलिटी को और बॉडीज को प्रोत्साहित कर रही है कि आप कुछ ऐसा क्रिएटिव बनाइए जिससे हमारी जो पानी की व्यय होने की मात्रा है वो कम से कम हो। और ये हमारा एप्लीकेशन इसके लिए बहुत ही परफेक्ट है, यूनिक है, क्योंकि इसमें सिर्फ हम पॉपुलेशन नंबर ऑफ पॉपुलेशन डालेंगे तो हमें तुरंत उसका रिजल्ट मिलेगा कि हमें कितनी मात्रा में कहाँ पे पानी पहुँचाना है और कितने प्रेशर से पहुँचाना है और लास्ट के इंसान को भी पानी मिले। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा इसमें कि वरना क्या होता है, कभी एक जगह पर ज़्यादा पानी होता है और दूसरी जगह पर कम पहुँचता है। बट ये एप्लीकेशन में हमें समांतर पानी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमारी भारत सरकार जो है कह रही है कि वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ इक्वलिटी, तो इक्वल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो हमारा ये ऐप आपको पूरी तरह से कारगर है इस। ओके, परफेक्ट। गुजरात के प्रमुख औद्योगिक शहर वापी के तकरीबन 3 लाख लोगों और 300 से ज्यादा उद्योगों के लिए वापी म्युनिसिपैलिटी ने वाटर मैनेजमेंट का शानदार सिस्टम विकसित किया है। इससे जहां एक ओर शहर की पानी की मांग पूरी हुई, वहीं दूसरी ओर तालाबों का संरक्षण करके ग्राउंड वाटर रिचार्ज को सुधारा गया। वापी म्युनिसिपैलिटी ने वाटर सप्लाई सिस्टम का ऐसा डिजिटाइजेशन किया जिससे इंजीनियरों के लिए पानी की उपलब्धता, उसकी आपूर्ति और इसमें पैदा होने वाली शिकायतों का तेजी और पारदर्शिता के साथ निपटारा करना संभव हुआ। अब पूरा वापी शहर सीवर नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और शहर के गंदे पानी के लिए पर्याप्त क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मौजूद हैं। वापी म्युनिसिपैलिटी की इन्हीं उपलब्धियों को देखते हुए उसे बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी का प्रथम पुरस्कार दिया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे दिक्कत ये आती है कि जो टाकी के नजदीक जिसका घर होता है उसको ज्यादा प्रेशर, ज्यादा पानी क्वांटिटी मिलता है और जो लास्ट एंड पे होता है उसको बहुत ही कम प्रेशर या तो जमीन के नीचे तक उसको झुक करके पानी लेना पड़ता है। तो उसके लिए हमने काफी रिसर्च किया और हम लोगों ने फिर उस पर रिसर्च करने के बाद में खुद का एक नया फॉर्मूला तैयार किया जो आज तक के मतलब इतिहास में किसी ने भी फॉर्मूला डेवलप किया नहीं है। और उस फॉर्मूला को बनाने के लिए हमने मतलब 15 साल जैसे सारे लोगों ने मेहनत किया, तब जाकर के कांस्टेंट डेवलप हुआ और उसके आधार पर एक एप्लीकेशन हमने बनाया जिसमें सिर्फ हम जनसंख्या अगर हम उसमें डालते हैं तो वो ऑटोमेटिक सारे कनेक्शन के साइज, पाइप का डायमीटर, वेलोसिटी, जितने भी टेक्निकल पैरामीटर है वो उसमें दे देता है। और इसके द्वारा ही आज मैं पूरे मतलब हम लोग, हमारा जो डिपार्टमेंट है नगर पालिका, यहाँ से सबको पानी का कनेक्शन दे रहे हैं ताकि हम सबको प्रॉपर सेटिस्फाई कर सके। पहले लोग मटका लेकर के आते थे फोड़ने के लिए या झगड़ा वगैरह होते रहता था, लेकिन आज के तारीख में जब से इस एप्लीकेशन का हमने यूज चालू किया है एक भी जगह पे ये कंप्लेंट नहीं आ रहा और सबको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पानी का, लोगों को प्रॉपर तरीके से पानी मिल रहा है।